ये सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई आजकल। सुधा ये लो तुम्हारी सब्जियां। अरे सब्जियां उधर। बस अच्छा सुनो। हाँ। एक बार कॉल करके देखिए ना उसे, अपना ही बेटा है, उसे बात करके छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं उसे कॉल नहीं करने वाला, बहुत बड़ा हो गया ना। सुधा हम मैनेज कर लेंगे। अरे कैसे मैनेज करेंगे और कब तक? इतनी फिक्र है तो तुम ही कर लो बात, कर लो। हेलो। हेलो बेटा। हाँ माँ। अब तो बहुत बड़ा हो गया है ना, फोन भी नहीं होता तुझसे। पापा ने ही तो मुझसे कहा था कि आज के बाद कॉल मत करना। पापा है तेरे, उनको डांटने का भी हक नहीं है क्या? माँ मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो पापा ने मुझसे कहा था, ना कॉल किया ना घर आया। सुधा उसको ना आना ना आए, लेकिन बहू और अनुज को भेजते हैं। अब इस उम्र में अपने पोते को देखने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अनुज को देखे कितना टाइम हो गया, जब से रिटायर हुए हैं सुबह शाम उसे याद करते हैं। अच्छा माँ मैं अभी रखता हूँ, मुझे ना कुछ जरूरी काम है। ठीक है मैं शाम को कॉल करता हूँ आपको, मुझे कुछ डिस्कस भी करना। मेरी फोन काट दिया। सुधा बच्चे पराए हो जाते हैं और माँ बाप चाहते वहीं रह जाते हैं। सुधा मत एक्सपेक्ट करो अर्जुन का कॉल, बिजी होगा हमेशा की तरह। नमस्कार गुप्ता जी, बोलिए। शर्मा जी कल आ जाऊंगे 11 बजे? हाँ आ जाइए, आप ही का घर है। जी जी आपको बोला था हेल्प ले लो अर्जुन से, पर नहीं। अब क्या बोलेंगे गुप्ता जी से? सुधा मैं संभाल लूंगा। गुस्सा शांत इनका तो जानता ही है उनको। चलो वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कोई आने वाला है क्या? वो मकान मालिक गुप्ता जी आ रहे हैं, तो तुम लोग अंदर चल के बैठो ना, कमरे में बैठते हैं आराम से। नहीं नहीं हम यहीं ठीक है। अनुज आ जा। अरे नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार भाभी जी। अर्जुन बेटा, बेटा ये तुम्हारे पेपर्स। शुक्रिया गुप्ता अंकल, आइए ना बैठिए। अरे नहीं वो पैसे ट्रांसफर हो गए ना आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाभी जी नमस्ते, और शर्मा जी मिलते हैं सैटरडे पार्क में। क्या है बेटा? पापा गुप्ता अंकल का 2 हफ्ते पहले फोन आया था, कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है ना, 2 महीने से घर का किराया नहीं आया। मैंने कहा किराया क्यों लेते हो, घर दे दो। थोड़ा जुड़ा थोड़ा लोन लिया बस हो गया। इस घर के असली मालिक आप हैं। घर छोड़ा था पापा आपको नहीं। सपना मेरा बड़ा हो गया। तू सच में बहुत बड़ा हो गया। अपने पैरों पे खड़ा हो गया।